जल, भूमि, अग्नि, वायु। बहुत साल पहले चारों राष्ट्र आपस में शांति से रहते थे। फिर सब कुछ बदल गया जब अग्नि देश ने युद्ध छेड़ दी। केवल अवतार चारों तत्वों का ज्ञाता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो गुम हो गया। 100 साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अवतार ढूंढ निकाला, एंग नाम का एक एयरबेंडर। हालांकि उसकी वायु सिद्धियां अद्भुत थे, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है। पिछली बार अवतार में अग्नि देश ने मेरे माता पिता को मार डाला, तब मैं सिर्फ 8 साल का था। हेलो, मेरा नाम जूडी है। पर हमें एक सूर्य ग्रहण के बारे में पता चला है जो अग्नि देश को बिल्कुल बेबस कर देगा। बास सिंगसे का एक कड़ा नियम है, दीवार के अंदर युद्ध का नाम ना लिया जाए। तुम समझते नहीं हो, वो अग्नि देश है, तुम्हें मेरा यकीन करना ही होगा। दीवार के अंदर कोई युद्ध नहीं होता, यहाँ हम सुरक्षित हैं, यहाँ हम आजाद हैं। मैं जानता हूँ तुम अपना जंगली भैंसा ढूंढ रहे हो, अगर तुम्हारी तलाश पूरी नहीं हुई तो बहुत शर्म की बात होगी। हमें अपने इश्तेहार बनाने के लिए कलाकार मिल गया। लेकिन मुझे लगा आपा का इश्तेहार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो ना, मैंने उसकी तस्वीर भी बनाई है। सौ का वो तीर का निशान आपा के सिर पर है। लेकिन ये उसका सिर ही तो है। उसमें से पैर क्यों निकल रहे हैं? वो उसके सींग है, मैंने उसे काफी वक्त से नहीं देखा, समझी ना। मुझे तो वो बिल्कुल सही लगता है। शुक्रिया, मैंने काफी मेहनत की, तो तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। हमारी तस्वीर इस्तेमाल करना ही ठीक होगा। अब चलो काम पर लगते हैं। तो ये लजीज चाय तुमने ही बनाई है, सारा शहर तुम्हारी बात कर रहा है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलती होगी। लोगों को मेरी चाय पसंद आए, यही बड़ी बात है। पर अगर इसके अच्छे पैसे मिले तो क्या बुराई है, हा? तुम नहीं चाहते तुम्हारी खुद की चाय की दुकान हो? मेरी खुद की चाय की दुकान? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कहीं तुम मेरा चाय बनाने वाला हथियाना तो नहीं चाहते? माफ करना दोस्त, पर इसी को दुनिया कहते हैं, है ना? मुशी, अगर तुम यहाँ रहे तो मैं तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा। रुको, मैं तुम्हें सीनियर असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह में एक नया घर खरीद कर दूंगा। चाय की दुकान में तुम जो करना चाहते हो करो, तुम्हें पूरी आजादी है। मुझे उसका नाम रखने भी मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर। क्या तुमने सुना भतीजे, ये आदमी शहर के ऊपरी घेरे में हमें हमारी खुद की चाय की दुकान देना चाहता है। तुमने बिल्कुल सही सुना, अब तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ। मैंने पूरे शहर में पर्चों को गिरा दिया है, क्या कोई आपा की खबर लेकर आया? अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, थोड़ा सब्र करो। वाह क्या बात है, सब्र का फल सचमुच मीठा होता है। जूडी, हेलो, एंग और कटारा और सोका और डॉफ, तुम कहाँ चली गई थी? क्या परिषद ने तुम्हें जेल में डाल दिया था? क्या जेल? ओ बिल्कुल नहीं, परिषद तो हमारे सांस्कृतिक धरोहर का रखवाला है। पर तुम पृथ्वी राजा की पार्टी से गायब हो गई थी। ओ, मैं कुछ दिन की छुट्टियां बिताने के लिए लावगाय तालाब गई थी, वो गांव में है, वहाँ काफी शांति मिलती है। पर फिर उन्होंने तुम्हारे बदले कोई दूसरी औरत भेजी जिसने अपना नाम भी जूडी बताया था। मैं जूडी हूँ,
यहाँ क्यों आई हो? शहर में इश्तेहार लगाना और पर्चे फेंकना पूरी तरह से मना है। उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। हम हर बात के लिए इजाज़त लेकर वक्त जाया नहीं कर सकते हैं। शहर के कायदे कानून साफ साफ कहते हैं कि आप बिना इजाज़त के इश्तेहार नहीं लगा सकते। हमें कायदे कानून की परवाह नहीं और हम इजाज़त नहीं लेंगे। हम आपा को अपने आप ढूंढेंगे और तुम बीच में बिल्कुल मत आना। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है? मुझे परवाह नहीं, अब से आपा को ढूंढने के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। वाह, चलो कायदे कानून तोड़ते हैं। अवतार और उसके दोस्तों को ना संभालने की वजह से मैं तुमसे बहुत निराश हूँ जोड़ी। उम्मीद करता हूँ आगे से तुम हालात पर काबू कर पाओगी। मुझे माफ कर दीजिए, पर अब वो मुझ पर यकीन नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से और काम कर पाऊंगी। जोड़ी, पृथ्वी राजा ने तुम्हें लौगाई तालाब पर बुलवाया है। मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार करने में बेहद खुशी होगी। बढ़िया, अब वहाँ जाने की तैयारी करो। अगर अवतार इसी तरह से अपने हवाई भैंसे को ढूंढता रहा तो हमने शहर में जो नाजुक संतुलन बनाया है वो बिगड़ सकता है। इससे पृथ्वी राजा पर पकड़ भी ढीली हो सकती है। उन्हें ठिकाने लगा दें? नहीं, उसका सीधा सामना करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। देखते हैं क्या हम इस मामले को शांति से निपटा सकते हैं। तो मैं सोच रहा था अपनी नई चाय की दुकान के लिए नाम क्या रखा जाए। पानीगम कैसा रहेगा? एकदम फिल्मी है, चस्केदार है और चाय के बारे में बताता है। अवतार यहाँ बासिंग से में है और उसका हवाई भैंसा खो गया है। हमें यहाँ एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है। अगर तुम अतीत के साथ छेड़छाड़ करते रहे तो हमारे साथ जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं वो फिर कभी नहीं होंगी। अच्छी चीजें जो आपके साथ हो रही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे जिंदगी से एक बढ़िया मकान और चाय की दुकान के अलावा और भी कुछ चाहिए? एक अमन और चैन भरी जिंदगी बिताने में कोई बुराई नहीं है। बेहतर होगा तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हें आखिर अपनी जिंदगी से क्या चाहिए और क्यों। मुझे अपनी किस्मत चाहिए। और इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। चाचा का ढाबा नहीं, ये घिसा पिटा है। काम तेजी से करने के लिए हमें अलग होना होगा। टॉफ, बेहतर यही होगा तुम मेरे साथ चलो। क्यों, तुम्हें लगता है मैं अपने आप इश्तेहार नहीं लगा सकती? ये उल्टा लगा है ना, मैं सौका के साथ जाती हूँ। कटारा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कटारा, मैं बदल चुका हूँ। बकवास किसी और से करना। मैं तुमसे लड़ने नहीं, मदद करने आया हूं। कचारा, क्या बात है? चेक यहां है। हम इसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते। पर हम ये नहीं जानते ये यहाँ क्यों आया। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये यहाँ क्यों है, वजह जो भी हो मुझे यकीन है वो ठीक नहीं है। मैं आपा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कटारा, हमें इसे एक मौका देना ही होगा। मैं वाकई में बदल गया हूँ। पहले मुझे काफी गुस्सा आता था और मैं मुसीबत खड़ी करता था, लेकिन अब मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। झूठ मत बोलो। ये झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी सांसें और दिल की धड़कन मैं महसूस कर सकती हूँ। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके शरीर में एक अजीब बदलाव होता है, ये सच कह रहा है। कटारा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर जेट कहता है वो हमें आपा के पास ले जा सकता है तो हमें देखना चाहिए। ठीक है, पर हम तुम पर कड़ी नजर रखेंगे। मैंने इसी जगह के बारे में सुना था। यहाँ तो कुछ नहीं है। अगर ये कोई चाल है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दो शख्स एक बड़े बाल वाले जीव के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगा वो आपा ही होगा। वो यहाँ था। हमें देर हो गई। वो इस बड़े जीव को कल लेके गए थे। हाँ। किसी टापू पर ले गए हैं और तब से
मैं बालों के गुच्छे और उसकी और चीजों को ही साफ कर रहा हूँ। इस उम्र में यही करना बाकी था। कौन सा टापू? वो कहाँ है? उसमें से एक शख्स ने किसी टेढ़े मेढ़े टापू की बात की थी जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है। वहाँ कोई चिड़िया घर है। ओ, शायद उसे वहाँ लेकर गए हों। हमें टेढ़े मेढ़े टापू पर जाना होगा, लेकिन ये टापू है कहाँ? दूर, यहाँ से बहुत दूर। वो यहाँ है, वो दक्षिणी ध्रुव के पास यानी हमारे घर के पास है। हमें पृथ्वी राज्य के आखिरी छोर तक पहुँचने में एक हफ्ता लग जाएगा और फिर टापू तक पहुँचने के लिए एक नाव ढूंढनी होगी। कोई बात नहीं, यही मौका है आपा को ढूंढने का, हमें कोशिश करनी होगी। एक टापू पर जाना वाकई अच्छा होगा। कई सालों से मैं अपनी बीवी को भी कहीं नहीं लेके गया हूँ। क्या आपको और कोई काम नहीं करना? ऐसे चिल्लाओ मत, समझ गया, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तुमने सही कहा है, फिलहाल आपा को ढूंढना ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। वो मिल जाए फिर हम वापस आ जाएंगे। ठीक है तो चलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? यकीन? और तुम पर? वैसे कहीं ये लड़का तुम्हारा दीवाना तो नहीं था? क्या? नहीं, जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो। हम दीवार तक ट्रेन में जा सकते हैं, पर उसके बाद हमें चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक साथ सफर आराम से कट जाएगा। आखिर हम बासिंग से शहर से दूर जा रहे हैं, सबसे घटिया शहर। जेट, तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम कितने डर गए थे, तुम परिषद से कैसे बच गए? परिषद से? पता नहीं ये क्या कह रही है। तुम्हें कुछ हफ्ते पहले परिषद ने गिरफ्तार कर लिया था, हमने उन्हें तुम्हें ले जाते देखा। मुझे भला गिरफ्तार क्यों किया जाएगा, मैं तो आराम से शहर में रह रहा हूँ। ये तो वाकई अजीब है, पर ये दोनों सच कह रहे हैं। ये नामुमकिन है। ये मुमकिन है, टॉफ नहीं बता पा रही कि कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों सच कह रहे हैं। जेट की आदाश मिटाई गई है। बकवास मत करो, ये गलत है। मेरे पास मत आना। हट जाओ मेरे रास्ते से। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम भी उसकी जैसा हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। परिषद ने इसे हमें गलत रास्ता दिखाने के लिए भेजा है, और वो बूढ़ा भी इस योजना का हिस्सा था। लगता है उन्होंने आपा को यहीं कहीं रखा है, शायद वहीं पर जहां जेट को लेकर गए थे। वो तुम्हें कहां लेकर गए थे? कहीं नहीं। और तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? इसकी याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। तो क्यों ना कटारा इसे चूमे, इसे कुछ याद आ जाएगा। शायद तुम्हें उसे किस करना चाहिए, सौका। ये तो सिर्फ एक तरकीब थी, बुरी तरकीब। अच्छा रुको, मैं समझ गया। ये मेरे मुंह में क्या ठूस दिया तुमने? अतीत की कोई ऐसी चीज याद करो जिससे तुम्हारे जज्बात जुड़े हो। अग्निदेश, याद है उन्होंने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया था? अपनी आंखें बंद करो और वो सब याद करो। नहीं, ये बहुत दर्दनाक है। शायद इससे कुछ फायदा हो। वो मुझे पानी के नीचे अपनी खास जगह पर लेकर गए, वो एक तालाब जैसी थी। एक मिनट, याद है जूडी ने क्या कहा था? उसने कहा था वो छुट्टी बिताने के लिए लावगाय तालाब गई थी। यही नाम था, लावगाय तालाब। तो ये खास जगह है कहाँ? पानी के नीचे होनी चाहिए। वहाँ किनारे पर एक सुरंग है। अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है।
मैं जूडी हूँ, बासिंग से मैं आपका स्वागत है। मैं जूडी हूँ, बासिंग से मैं आपका स्वागत है। हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमारी दीवारें हमारी सरहद बनाती हैं। हम कितने किस्मत वाले हैं जो हमारी दीवारें हमारी सरहद बनाती हैं। ऊपर जरूर इतना बड़ा एक तहखाना होगा जिसमें वो आपा को रख सके। लगता है उसका रास्ता यहाँ से है। किसी और का इंतजार था? इतने लोग हमारे स्वागत के लिए? तुम लोगों ने खुद को इस राज्य का दुश्मन बना दिया है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। बहुत हुआ अवतार, तुम मेरे लिए काफी मुश्किल खड़ी कर चुके हो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम्हें अपना हवाई भैंसा वापस चाहिए तो। मतलब आपा तुम्हारे ही पास है, बताओ वो कहाँ है? इस शहर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे खिलाफ सारे मामले खारिज कर दूंगा और तुम्हारा खोया हुआ भैंसा भी तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम सौदा करने की स्थिति में नहीं हो। तो ये बात है। हाँ, जैक ने सही कहा। जैक, पृथ्वी राजा ने तुम्हें लौगाई तालाब पर बुलवाया है। मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार करने में बेहद खुशी होगी। अब तुम मेरे हो। चाचा, तो नीली आत्मा, पता नहीं उस नकाब के पीछे कौन है। आप यहां क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे बिल्कुल यही सवाल पूछने वाला था। अब जब तुम्हें अवतार का हवाई भैंसा मिल गया है तो बताओ तुम क्या करोगे? उसे अपने नए घर में बांध कर रखोगे? क्या मैं उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊं? पहले मुझे इसे यहां से बाहर निकालना है। और फिर क्या? तुम कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल ऐसा ही तब हुआ था जब तुमने उत्तरी ध्रुव में अवतार को पकड़ा था। तुमने उसे पकड़ लिया, फिर आगे क्या करना था तुम नहीं जानते थे। मैं जरूर कुछ ना कुछ सोच लेता। नहीं, अगर उसके दोस्त तुम्हें नहीं ढूंढते तो तुम ठंड के मारे मर गए होते। मैं अपनी किस्मत से वाकिफ हूँ चाचा। ये तुम्हारी अपनी किस्मत है या फिर किसी और ने इसे तुम पर थोपा है और तुम उसी के पीछे भाग रहे हो? बस करिए चाचा, मुझे ये करना ही होगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ शहजादे ज़ुको, वक्त है अपने अंदर झांकने का और अपने आप से कई अहम सवाल पूछने का। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पास और कोई चारा नहीं है। जैक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अपने दिल में झांक कर देखो। अपना फर्ज पूरा करो जैक। वो तुमसे ऐसा नहीं करवा सकता, तुम एक स्वतंत्रता सेनानी हो। उसे मारो अभी इसी वक्त। बेवकूफ लड़का, खुद अपनी मौत की वजह बन गया। मुझे माफ कर दो एंग। नहीं जेट,
इसकी हालत ठीक नहीं है। तुम लोग जाकर आपा को ढूंढो, हम जट को संभालते हैं। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। वक्त बहुत कम है, तुम लोग जाओ। इसकी फिक्र मत करो, हम इसका ख्याल रखेंगे। फिक्र मत करो कटारा, मुझे कुछ नहीं होगा। वो झूठ बोल रहा है। आपा चला गया, लॉन्गफेंग ने हमें मात दे दी। अगर हम अभी यहाँ से चले तो शायद उसे पकड़ सकें। अब ये लोग कहाँ से टपके? उन्हें तो हमारे पीछे आना ही था। क्या बात है मोनो? तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी। तुम्हारी बहुत याद आई। तुमने बिल्कुल सही किया भतीजे, इसे पीछे छोड़ दो।